हेलो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजल मैकेनिकल थ्योरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है जो आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार आपको हर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर वन है, सिलेंडर ब्लॉक प्रायः बना होता है। ऑप्शन दिया है ग्रे कास्ट आयरन, बी ऑप्शन है एल्युमिनियम, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है स्टील। तो सिलेंडर ब्लॉक प्रायः किसका बना होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन। कुछ लोगों को यह ऑप्शन पता होगा दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। पहले आपको आसान क्वेश्चन है, अगले वीडियो में और भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पढ़े एक नई वीडियो प्राप्त होगी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दो है, सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग की जाती है। ऑप्शन दिया गया है इसमें हॉर्निंग, ड्रिलिंग, लेपिंग और ये कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, हॉर्निंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में कौन सिलेंडर ब्लॉक का भाग है? ऑप्शन दिया है सिलेंडर, पोटस, पोसेज और उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी, अर्थात सिलेंडर, पोटास और पोसेज, ये जो है आपकी सिलेंडर ब्लॉक के भाग हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, वहाँ पे आप इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बेल आइकन दिखेगा, उसमें आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो उसमें से आप ऑप्शन नंबर वन को क्लिक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं डेली भी आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, एल्युमिनियम एलॉय की सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है, वो किस चीज़ का लगा होता है दोस्तों? कॉपर, कास्ट आयरन, ये वो बी दोनों और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही होगा इसका बी, अर्थात कास्ट आयरन। तो एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में जो लाइनर लगा होता है वो कास्ट आयरन का लगा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है? दिया है आयल पेन, सल्म, सिलेंडर हेड, ए व बी दोनों। ऑप्शनों के अनुसार चलेंगे दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है, ये डी ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छः, कंबस्चन चैम्बर कहाँ बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, यदि आप कोई भी सब कार्य कर रहे हैं तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिलेंडर ब्लॉक। तो कंबस्चन चैम्बर लगा होता है सिलेंडर ब्लॉक में, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेंगे 30 क्वेश्चन, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सात है, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हैंड के बीच में क्या लगता होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिया गया है लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगता होता है? ऑप्शन दिया है गॉस्केट, फ्रेंस, वाटर जैकेट, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गॉस्केट। क्या लगा होता है? गॉस्केट लगा होता है। क्वेश्चन नंबर आठ, सिलेंडर हेड का डिजाइन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? दिया गया है ऑप्शन कंबस्टन चैम्बर, वाल्व, कैमेनिज, स्पार्क प्लग और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, अर्थात ई, बी और सी, ये हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही मिलेगा, कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर नौ है दोस्तों, आप देख सकते हैं दिया गया है कि फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी में कौन परिवर्तित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ईजी भी क्वेश्चन है। तो ये पिस्टन कौन करता है दोस्तों? पिस्टन करता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, पिस्टन करता है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया है क्वेश्चन कि फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे गैस शाफ्ट तक कौन पहुंचाता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो ये पिस्टन पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है दोस्तों? पिस्टन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्टन क्लियरेंस का मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है दोस्तों 0.025 mm से 0.1 mm तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हमारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्टन रिंग प्रायः बनाई जाती है, तो पिस्टन रिंग किस धातु की बनाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है स्टील, आयरन, कास्ट आयरन, एलाई कास्ट आयरन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन मिलता है सही, एलाई कास्ट आयरन, ठीक है। तो पिस्टन रिंग प्रायः बनाई जाती है एलाई कास्ट आयरन की। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पिस्टन रिंग कंबसन चैम्बर में ईंधन भरने के लिए रास्ता रिक्त स्थान है? ऑप्शन है दिया है बनाती है, नहीं बनाती है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान है यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों, नहीं बनाती है। तो पिस्टन रिंग कंबसन चैम्बर में ईंधन भरने के लिए रास्ता नहीं बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पिस्टन पिन को किस नाम से भी जाना जाता है? देख लीजिए दोस्तों, पिस्टन पिन जो है इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं या जानते हैं या जाना जाता है, तो कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको मिलता है रिस्ट पिन और गजन पिन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, ए व बी दोनों ऑप्शन हमारे जो दिए गए हैं ये सभी ए व बी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कौन जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कौन जोड़ती है? तो ये पिस्टन पिन जोड़ती है। कौन जोड़ती है? पिस्टन पी। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जाता है? ऑप्शन दिया है फ्लेम हार्डिंग, केस हार्डिंग, एलिनिंग, कार्बोनाइजिंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केस हार्डनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड प्रायः बनाई जाती है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो कनेक्टिंग रॉड फॉर्जेड स्टील की बनाई जाती है, किसकी? फॉर्जेड री स्टील की, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, दिया है कि कनेक्टिंग रॉड पिस्टन की किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है? देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछ रहा है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीजल मैकेनिकल थ्योरी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको 30 क्वेश्चन बताए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में अगले अर्थात अगले वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन भी आपके दिए गए हैं, तो इसमें आपसे ऑप्शन आपका सही होगा बी, अर्थात रेखीय गति को वृत्तीय गति में, ठीक है। तो ये क्रैक शाफ्ट किस मोशन में बदलता है? तो ये रेखीय गति के वृत्तीय गति में बदलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है 19 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, पिस्टन तथा क्रैक शाफ्ट को, ठीक है। तो ये पिस्टन तथा क्रैक शाफ्ट को क्या जोड़ती है? कनेक्टिंग रॉड, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेम आपको क्वेश्चन दिया गया है, बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझने का है, दोनों क्वेश्चन सेम ही पूछा गया है, लेकिन इसमें कुछ दूसरा पूछा गया और यहाँ पर आपको कुछ दूसरा पूछा गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है? कनेक्टिंग रॉड का जो छोटा सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है? ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है दोस्तों, आपने देखा होगा वो किससे जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है दोस्तों किससे? पिस्टन पिन से। किससे जुड़ा होता है दोस्तों? पिस्टन पिन से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रैक शाफ्ट बना होता है, तो क्रैक शाफ्ट किसका बना होता है? तो क्रैक शाफ्ट दोस्तों बना होता है एल्युमिनियम का, किसका? एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, क्रैक शाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बेयरिंग के जनरल बनाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है गाइडिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग और साइड कटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो
तो यहाँ पर बनाए जाते हैं किसके, ग्राइंडिंग के, किसके ग्राइंडिंग के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका समाधान कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ है। देखिए इस एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ है। इंजन का कंपन कम होता है, इंजन संतुलित रहता है, पावर फ्लो समान रूप से होता है, और डी ऑप्शन दिया गया है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, ठीक है, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, अर्थात ऊपर दिए गए ए बी सी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन भी आपके दिए गए हैं 1 2 3, 1 3 1 2, 3 2 1, और यहाँ पर 3 1 2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी, अर्थात 1 3 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 सिलेंडर लाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर निम्न में क्या होगा। देखिए 4 की बात करें, वहाँ पर हमारा 3 का पूछ रहा है, यहाँ पर हमारा 4 का पूछ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है 1 3 4 2, बी ऑप्शन दिया गया है 1 2 4 3, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया है ए वो बी दोनों, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है 1 4 3 2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, फटाफट देखिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए व बी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, फ्लाई व्हील किसका बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील किसका बना होता है, आयरन, एल्युमिनियम, स्टील और कोई भी एक, अर्थात इनमें से कोई भी एक का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही होगा सी, अर्थात स्टील का, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि तक हमारे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारे इसी तरह का वीडियो पढ़े देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 30वां क्वेश्चन मिलता है, फ्लाई व्हील का आकार किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया सिलेंडर की संख्या, इंजन की बनावट, इनमें से कोई नहीं, और ये ऑप्शन दिया ए व बी दोनों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा डी, अर्थात ये वो भी दोनों, अर्थात सिलेंडरों की संख्या और इंजन की बनावट दोनों पर ये निर्भर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार बताए गए हैं, जो कम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।